हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग के लगभग अभी 9 बजे हैं। अभी मैं हूँ अपने किचन पे और मैं कर रहा हूँ अपने लंच की तैयारी, क्योंकि आज लंच मुझे ही बनाना है यार। कि आज मैं लंच में बनाने वाला हूँ देसी मुर्गा, जो कि मैंने ऑलरेडी काट दिया है और इसके बाहर के जो फेदर था जो रिमूव कर चुका हूँ। अभी ये स्किन है इसकी, तो इसके बाद में मैं इसको हल्का सा गैस के ऊपर पे रोस्ट कर देता हूँ, सो दैट जो इसकी बाहर की स्किन है, जो भी बाल बचे हैं, ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। तो उसके बाद में मैं इसकी प्रिपरेशन चालू करने वाला हूँ। ये है पहाड़ी देसी मुर्गा। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा अपना ओन रेसिपी है और मैं बनाने वाला हूँ चिकन करी आज के लंच में। जो भी लोग नए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्रिपरेशन आप लोगों को दिखाता हूँ आज कैसे बना रहा हूँ मैं। तो अभी मैं जो इसकी स्किन है बाहर से, इसको रोस्ट कर देता हूँ अच्छी तरह गैस पे। आप लोग देख सकते हो लगभग ये रोस्ट हो चुका है प्रॉपरली। अभी इसने ऑयल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत फैट होता है, ये देसी मुर्गा है। अब मैं कटिंग स्टार्ट करता हूँ चिकन की एक बारी। लेग वाला हिस्सा मैंने अलग कर दिया है, आप देख सकते हो दो लेग पीस हैं। अब इसके विंग्स भी निकाल देता हूँ, दूसरा विंग्स। सो गाइज, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं चिकन बनाना। और मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है अभी चूल्हे में। अभी कर लेता हूँ गैस ऑन और डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। यार ये मेरी ओन रेसिपी है और इसे मैं बनाने वाला हूँ आज। चिकन लगभग मेरे कट के रेडी है रात में, और लोहे की कढ़ाई चला ली है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी रेडी हैं। कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आपको बता दूं ऑनियन रेडी है, इसके साथ में जिंजर है, ग्रीन चिल्ली, टमाटोज, और मैं कुछ होल लहसुन भी लेने वाला हूँ। और ये सारे स्पाइसेस हैं, और इसके बाद में गार्लिक हो गया, और ये ब्लैक पेपर मैंने ऑलरेडी कूट लिया है। सो ये सारी चीज़ें आज भी मैं डालने वाला हूँ इसमें। स्टार्ट करता हूँ आज की प्रिपरेशन। और अभी मैं थोड़ा सा ऑयल लेने वाला हूँ इसमें, जो कि आज मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करने वाला हूँ। तेल ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि जो चिकन है ये ऑलरेडी फैटी है, ऑलरेडी चर्बी है इसमें। लगभग मेरा तेल गर्म हो चुका है और अभी मेरे सारे खड़े मसाले रेडी हैं। तो आप एक बार मैं इन्हें प्लेस कर देता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें मैंने कुछ रेड चिली भी ली है, लौंग है, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और सिनेमन भी है। अब इसे डाल देता हूँ यहाँ पर, जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा गार्लिक ले लेता हूँ। अब इसके बाद में हल्का सा ग्रीन चिल्ली, कुछ ग्रीन चिल्ली डाल देता हूँ इसमें। अब ले लूँगा ऑनियन। मैंने कुछ साबुन लहसुन लिए थे, तो अभी ये लहसुन भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। अब इसमें जिंजर ऐड कर लेता हूँ, अदरक, जो कि ऑर्गेनिक है, हमारे घर का ही है। तो आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर भी क्रश कर लिया, तो इसे अभी डाल देता हूँ इसमें। लगभग मेरा जो ऑनियन था ब्राउन हो चुका है हल्का सा, तो लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें चिकन ऐड कर लेता हूँ। तो मैं एक बार चिकन को भून लूँगा अच्छी तरह, उसके बाद में मैं टमाटो और सारी चीज़ें ऐड करूँगा। और चिकन लगभग मेरा रेडी है, मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ चिकन को। अभी मैं चिकन डाल लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कितना फैट है इसमें। एक्चुअली ये चिकन विद स्किन है, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा लेग पीस है। अब देखता हूँ किसको मिलने वाला है ये लेग पीस आज। अभी चिकन को अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटोज ऐड कर लेता हूँ। आप लोग अभी देख सकते हो ये चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है, और जो टमाटर मैंने डाले थे लगभग गल चुके हैं। हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर,
कश्मीरी चिल्ली पाउडर कलर के लिए, और लूँगा हल्दी पाउडर। चिकन का कलर काफ़ी अच्छा हो रखा है और काफ़ी जूसी हो रखा है। अब इसके बाद में थोड़ा देर में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगा। एक बार थोड़ा सा मसाले को उसके साथ में पकने देता हूँ। एक बार मसाला मेरा अच्छी तरह पक जाएगा तो इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो कैसे चिकन का कलर कैसा चेंज हो चुका हो पूरा। अभी मसाले को पकने देता हूँ अच्छी तरह, उसके बाद में चिकन बनकर रेडी है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर ले। फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हो चिकन मेरा बन चुका है और मेरे थाली में ये राइस है तो घर के चावल हैं और ये गार्लिक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अभी ये जो देसी चिकन होता है ना, घर का चिकन, थोड़ा सा इसे पकाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। कढ़ाई में बनाया ना मैं, लोहे की कढ़ाई में, तो टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है और इसने बहुत ज़्यादा तेल भी छोड़ा है। आप लोगों को दिखा दूँ लोगों ने एकदम। काफ़ी अच्छा टेस्ट है।